हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सब लोग परेशान ही हैं कि भैया टाटा मोटर्स के रिजल्ट अच्छे थे, आपने वीडियो भी बनाई थी, फिर 8% क्यों गिरा। इसका अर्थ है कि आपने हमारी वीडियो पूरी ध्यान से नहीं सुनी थी। कोई बात नहीं, पहले हुआ क्या है वो जान लेते हैं और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट भी दिखाएंगे और वीडियो भी दिखाएंगे। हमारा ये जो मेन चैनल है इस पे ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर लीजिए। 799 का प्लान है जिसमें हर मंथ में 4 वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं जो बहुत लर्निंग और प्रीमियम अर्निंग देते हैं जो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो बहुत बड़ी फैमिली बन चुकी है, तो यहाँ से ज्वाइन कीजिए और फायदा लीजिए। तो बड़ी सिंपल सी कहानी है, रिजल्ट सब कुछ अच्छे आए थे, ये बिल्कुल सही है, लेकिन कभी भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं उसके बाद आती है मैनेजमेंट कमेंट्री, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए जो मैनेजमेंट कमेंट्री आई है वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। उसमें उनका साफ साफ, मतलब अगर मैनेजमेंट इस तरीके से साफ साफ कहे तो बड़ा ही सरप्राइजिंग होता है। तो उनका कहना है कि भैया जो हमारा जगुआर लैंड ओवर है उसका मार्जिन बहुत ही फ्लैट रहने वाला, यानी जहां हम हैं वहीं रहने वाला। इसका अर्थ क्या है, ग्रोथ हो जाएगी 0, ठीक है। और यहाँ पर मार्केट जो स्पेंडिंग है वो बहुत बढ़ेगा जिससे कि हम चीज़ों को बेहतर कर पाएँ। और साथ में जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे ना वो भी गिरे हुए नज़र आने वाले हैं। तो मतलब जून क्वार्टर हो, ईयरली हो, हर एक एंगल पे अगले को लगता है कि भैया कहानी अच्छी नहीं होने वाली। और मैनेजमेंट ईमानदारी से सबसे पहले तो अगर आके ये बात कह रहा है तो उनको एक सैल्यूट बनता है, क्योंकि कोई भी दूसरी, मतलब सिर्फ अच्छी कंपनियां ऐसा करती है, कोई दूसरी कंपनी कभी भी इस तरीके से ये कार्यक्रम कभी नहीं करती, वो हमेशा बढ़ा चढ़ा के बोलती है। तो सबसे पहले तो इसके लिए सैल्यूट है। और ये कहानी होते ही क्या हुआ कि जितने भी ब्रोकिंग हाउस थे ना, आपको पता ही है कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और इस तरीके से हो, चाहे गोल्डमैन सैक्स हो, मॉर्गन स्टैनले हो, नोमूरा हो, सब ने शेयर की रेटिंग घटा दी। और यहाँ तक कि सिटी ने तो रेटिंग ही सस्पेंड कर दी, नोमूरा ने बाय से न्यूट्रल कर दिया। तो हालांकि जेपी मॉर्गन और जेफरीज जो हैं उनकी राय थोड़ी अलग है, वो कहते हैं हम तो भैया बुलिस हैं, ठीक है। तो ये सबका अपना अपना नज़रिया है सिनारियो, बट मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी भाषा में कहूँ, सबके नज़रिए सिनारियो पे मत जाइए, विज़न पे रखिए। विज़न अगर लॉन्ग टर्म का है तो स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था, प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। वहाँ पे आपके सामने सबसे पहले तो भैया मुकुल अग्रवाल चैनल का वीडियो दिख रहा है जहाँ पर 2 दिन पहले टाटा मोटर की वीडियो बनाई थी, जरूर इसमें जाके देखिए। और साफ साफ कहा था रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, बट टाटा मोटर को तेजी करने के लिए जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है एज इट इज़, वहाँ पर दिखाया गया था कि 1070 और 1050 के ऊपर बंद होना जरूरी है, जिसमें 1070 के ऊपर बंद होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यही है प्राइस एक्शन का लेवल। आपको भी पता है कि जब कोई जिस कैंडल से मार्केट में गिरावट होती है वो अपने आप में एक ऑटो रेसिस्टेंस बन जाता है। तो मार्केट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी भी रिजल्ट अच्छे आए खराब आए उससे लोड मत लीजिए, प्राइस एक्शन पर नज़र रखिए, वरना यही जो आधी इन्फॉर्मेशन होती है या आधी जानकारी होती है जिसमें लोग फंस जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग को आइडिया ना हो और वो फंस गए हो, तो ये बड़ा मायने रखता है। तो यहाँ पर अभी जो नीचे में सपोर्ट लेवल है ये आपके सामने खुद देखिए, 9944 का जो कैंडल है जहाँ से तेजी हुई है मार्केट में, आज वही 944 के करीब का लो लगाया है। तो यानी 944 और 920 ये दो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जिस पे नज़र रखिए। और ये पूरा का पूरा एक बॉक्स एरिया है जहाँ पे आप देख लो, एक तेजी से मंदी, फिर तेजी, फिर मंदी, फिर तेजी और फिर मंदी हुई। तो ये पूरा बॉक्स जो है ना एक नेक्स्ट मूव को डिसाइड करेगा। नेक्स्ट मूव को मतलब अगर ये 920 के नीचे बंद हुआ थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर जो ऊपर का लेवल मैंने अभी आपके साथ बताया 1070 का, उसके नीचे ऊपर निकलेगा तो तेजी होगी। तो ये प्राइस एक्शन की स्टडी होती है, राइट। तो यही प्राइस एक्शन की स्टडी आपको इस तरीके से करने को बताती है। तो मुझे लगता है कहीं से लोड पैनिक मत लीजिए, बल्कि बस जो कहा है वो याद रखिए कि प्रॉफिट बुकिंग जरूरी थी, जहां पर इस तरह की न्यूज़ का इम्पैक्ट कुछ दिनों का होता है, उसके बाद मार्केट वापस से इन चीज़ों को भूल कर नॉर्मल मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ता है। वहां पर आप खुद देख रहे हैं ब्रोकिंग एजेंसी ही जो है वो अलग अलग दिशा में सोच रही है, उनका थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं है। तो फिर जब उन्हीं का थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, राइट। और आपने न जाने कितने सारे रिजल्ट देखे होंगे, विजन 5 साल,
ठीक है। और अगर इंट्राडे स्विंग खेल रहे हैं तो आपको लोड लेना ही नहीं चाहिए, अगर गिर रहा है तो आप बेच के कमा सकते हैं, भर रहा है तो खरीद के कमा सकते हैं। तो प्लीज़ डिसाइड कीजिए आप कौन है। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी मार्केट में आता है ना, उनको ये पता ही नहीं होता कि हम ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं। वो तो ट्रेडिंग करता है, पोजिशन फंसता है, तब इन्वेस्टर बन जाता है और बाद में परेशान होता है। तो ये सब चीज़ों को क्लियर रख करके करिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बहुत लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच।